हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपा लालवानी यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय मॉम्स किचन। आज की हमारी रेसिपी है थूम में सेला फुल्का या सेलमानी। इसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स ले लेंगे। हमने पहले उसके लिए 6 चपाती ले ली है बना के। फिर उसके लिए इंग्रेडिएंट्स हैं 5 बड़े टमाटर, 1 लहसुन, 2 से 3 हरे मिर्च और 200 ग्राम हरा धनिया, सूखे मसालों में धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। पहले हम लहसुन की चटनी बनाएंगे। उसके लिए हमने पहले से ही टमाटर काट के रख दिए हैं, लहसुन को छील दिया और हरे मिर्च को काट लिया। तो चलते हैं किचन की तरफ। हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर वीडियोस। मेरे आगे की वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक। सबसे पहले लहसुन की चटनी बना लेंगे हरे धनिए के साथ। उसके लिए हमने लहसुन ले लिया और हरा धनिया रफली चॉप्ड ले लिया है हमने। उसमें हरी मिर्च, इसको हम चॉपर में घुमा देंगे और चटनी बना देंगे। चटनी बनकर रेडी है। अब चॉपर में टमाटर पीस लेंगे। से 4 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म हो गया, उसमें हम हरे मसाले की चटनी डालेंगे, हरे धनिया और मिर्च वाली चटनी को डालेंगे, लहसुन। होने तक हम इंतज़ार करेंगे, चटनी के पिंक होने तक का इंतज़ार करेंगे। चटनी भून कर तैयार है। लाइट पिंक हो चुका है कलर। अब इसमें हम सूखे मसाले डाल देंगे, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। मसालों को तेल में भून लेंगे। और जो टमाटर चॉप किए थे उसको आधे टमाटर हम चटनी में डाल देंगे, आधे बाद में डालेंगे।
टमाटर के साथ जो चटनी बुन रही है वो आधी निकाल कर बाहर कर देंगे, बाहर रख देंगे, और बाकी टमाटर चटनी में डाल देंगे। जब तक चटनी गैस पे बन रही है तब तक बाहर जो चटनी निकाली उसको चपाती पे लगाएंगे, चम्मच से लेके चपाती पे लगाएंगे। हर एक चपाती में ऐसे करेंगे। अब टमाटर पक चुके हैं, इसमें हम चपाती डाल देंगे। चपाती जो चटनी से फिल्ड है और जो चटनी बचे उसे भी डाल देंगे और चपाती को घुमा लेंगे। इसमें करीबन आधा गिलास पानी डाल देंगे और कुकर को सीटी लगाने रख देंगे। दो सीटी लगने तक हम इसे पकाएंगे। तो मम्मी सैला फुलके बनके रेडी हो गए हैं। इसे हम दही के साथ, घी के साथ, पापड़ के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही चटपटा स्नैक है, सिंधियों में बहुत फेमस है। आप भी अपने घर पे ट्राई करो, बहुत ही सिंपल है और बहुत कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, सैला फुलके बन के रेडी हैं। सिंधी में इसे हम थूम में सैला फुलका बोलते हैं। ये बहुत ही फेमस सिंधी डिश है। आप भी घर पर ट्राई करें, आपको भी अच्छा लगेगा। ये बहुत ही स्पाइसी डिश है, सिंधियों में बहुत फेमस है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।